मोटरोला एज प्लस 2022 पीडी अप्रूव है। 8 जनरेशन 1 इसका प्रोसेसर खूबसूरत है। मोटरोला एज प्लस 12/256 डिस्प्ले और कैमरा दिखाए तो कैमरा भी इसका VIP होता है। वन प्लस का 10 प्रो उसका कैमरा क्वालिटी दिखाए तो हमें। अगर सैमसंग में S22 अल्ट्रा फ्रेश LCD में है, व्हाइट कलर है, S22 है ऑफिशियल अप्रूव का, N20 अवेलेबल है, Note 20 अल्ट्रा, S20 अल्ट्रा है पिक्सल 4 में, सैमसंग में S21 अल्ट्रा फिजिकल प्लस eSIM वाला, 21 प्लस है, S20 प्लस पिक्सल 5 है 5G। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उमेर, उमेर टेलीकॉम से। हमारी शॉप स्टार सिटी मॉल में है, शॉप नंबर 209 सेकंड फ्लोर। आज अब काफ़ी अर्से बाद वापस YouTube पे हम लोग आए और अच्छी वैरायटी लेके आए हैं बेहतरीन प्राइसेस के साथ। तो इस बारे में इमरान भाई किस चीज़ से स्टार्ट करें यहीं से जो यूनिक मॉडल्स हैं। स्टार्ट हम यूनिक मॉडल से करते हैं, मोटरोला एज प्लस 2022, ठीक है। 8/128 है ये, PTA अप्रूव है, सही है। इसके कैमरा क्वालिटी भी मैं आपको दिखाया तो 8th Gen 1 इसका प्रोसेसर है, ठीक है। 8/128 से हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 80,000 रुपये। बैक से बड़ा खूबसूरत है मेरे भाई, खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, 9.5 कंडीशन आप कह सकते हो, 9.5-10 कंडीशन, ओके, ठीक है। और इसके बाद अगर हम जाए तो एक और 8th Gen वाला हमारे पास प्रोसेसर वाला एक मोबाइल है, वन प्लस का 10 प्रो, 8/128, ये लॉक है, इसमें सिम नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा, कंट्री लॉक है? जी कंट्री लॉक है, ऐसे वाइफ है और गेमिंग वगैरह के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, तो कुछ लोग इसको कैमरे के ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। आपको उसका कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूँ मैं, जबरदस्त कैमरा की क्वालिटी, बिल्कुल 8/128 है ये भी, ठीक है। कंट्री लॉक है, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का पूरा 10 प्रो लॉक, जी। बाद हमारे पास आईफोन में यूनिक मॉडल ये है, 14 प्रो है, 256 GB अप्रूव TRA वेरिएंट है, जिसके अंदर फिजिकल प्लस eSIM होती है, ठीक है। अप्रूव है, 256 GB है, 100 बैटरी हेल्थ है, एप्पल वारंटी के अंडर में, बॉक्स कंप्लीट सामान, ठीक है। ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 4,30,000 रुपये, 4,30,000 का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास S22 है ऑफिशियल अप्रूव, 8/256, ठीक है। 10/10 इसकी कंडीशन है, 8/256 वाला ब्रांड न्यू कंडीशन, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, बॉक्स के साथ है, कंप्लीट सामान है, और बिल्कुल 10/10 इसकी कंडीशन है, ठीक है। ऑफिशियल अप्रूव है, 8/256 GB, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 195 का, 1,95,000 का ऑफिशियली अप्रूव, जी। इसके बाद हमारे पास मोटरोला का एज प्लस, जो हर बार की तरह हमारे पास होता है, मोटरोला एज प्लस, ठीक है, 12/256 GB, स्नैपड्रैगन इसका 865 है, 5000 mAh इसकी बैटरी है, लुक वाइज भी आप देख लें काफ़ी अच्छा है, कैमरा क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, 108 MP कैमरा होता है इसका। इसका मैं आपको ज़रा डिस्प्ले दिखा देता हूँ, डिस्प्ले और कैमरा दिखा देता हूँ, फ्रेश डिस्प्ले में है, किसी तरीके का शेड डॉट लाइन कुछ भी नहीं है। कैमरा क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा भी इसका VIP होता है, हाँ, इस प्लस का कैमरा तो बहुत जबरदस्त, बिल्कुल, इसको लोग कैमरे की ऐसे भी लेते हैं। अच्छा, इसकी ऑफिशियल ड्यूटी जो है वो 8,000 रुपये है, ठीक है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये इसकी ऑफिशियल ड्यूटी है। कुछ लोग जो ऑफिशियल अप्रूव करवाना चाहें वो मुझसे नॉन PTA ले लेंगे 58,000 का, और पैच अप्रूव उनको पड़ेगा 60,000। और ये जेन्युइन स्टॉक है, जी जेन्युइन स्टॉक है, कंडीशन आप देख ले, कंचे ऐसी कंडीशन है, लेकिन 10/10 नहीं होगा भाई, 9/10, 9.5/10 आपको मिल जाएगा, 10/10 आपको नहीं मिलेगा, रिफर्बिश का हमारा काम नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है। इसके पास हमारे पास मोटरोला का एक और लविंग मॉडल है, मोटरोला 15G, 4/128 GB, 765 इसका स्नैपड्रैगन है, 5000 mAh इसकी बैटरी है, अप्रूव्ड है ये, ओरिजिनल ग्लास वाला है, तो हल्के पुल्के इसके अंदर स्क्रैचेज हैं, ठीक है, ओरिजिनल ग्लास वाला है, सील्ड पीस है, किसी तरीके से खुला हुआ बना हुआ पीस नहीं है। इसका भी कैमरा अच्छा, 48 MP इसका कैमरा होता है, ठीक है, जेन्युइन पीस है ये, कुछ भी कोई चेंज नहीं है, ना इसका ग्लास चेंज है, ना LCD कुछ भी चेंज नहीं है, जेन्युइन स्टॉक, बिल्कुल जेन्युइन स्टॉक है, US स्टॉक है, हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 27,500 का, 27,000 रुपये का। मार्केट इसकी 30,000 रुपये से ऊपर चल रही है, ओरिजिनल ग्लास तो वैसे भी 32,000 रुपये का चलता है। इसके बाद हमारे पास वन प्लस में N20 अवेलेबल है, अनलॉक होता है ये, 10/10 जैसे 10/10 इसकी कंडीशन है, सिर्फ एक ही स्क्रैच है, ठीक है, काफ़ी यूनिक शेप में है ये अनलॉक है, लेकिन इसके अंदर सिम पाकिस्तान में चल चुकी है, ठीक है, तो अभी सिम पाकिस्तान में नहीं, बाहर कहीं भी सिम चलेगी, ठीक है। ये 6/128 GB होता है, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये, 35,000 का अनलॉक है, बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास है सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा, ठीक है, फ्रंट ग्लास क्रैक है, LCD में लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा फ्रंट ग्लास क्रैक है, साइड से, ठीक है, ये यहाँ से भी क्रैक है, फ्रंट ग्लास क्रैक है, एक इस तरफ लाइन है, एक इस तरफ लाइन है, एक डॉट भी है, ठीक है, कंडीशन में, बिल्कुल कंडीशन में, इसकी कंडीशन भी, लेकिन विद ओरिजिनल एस पेन है, एस पेन ओरिजिनल, टच वर्किंग प्रॉपर्ली है, बिल्कुल सर, हर चीज प्रॉपर वर्किंग में है, सिर्फ ये LCD में लाइन है और डॉट है,
ठीक है, ये अनलॉक वाला पीस है, ठीक है, इसके अंदर सिम चल चुकी है पाकिस्तान में, बाहर सिम चलेगी, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए 50,000 रुपए का जी, सही है। इसके बाद हमारे पास सैमसंग में S20 Ultra है, पैच अप्रूव है, ये 12/128 GB डुअल फिजिकल वाला 9.510 या 9.10 इसकी कंडीशन है, ठीक है, 100x जूम वाला पीस है, सही है, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 94,000 का 94,000 रुपए का जी। इसके बाद हमारे पास गूगल पिक्सल में दो वेरिएंट है, पिक्सल 4 में 6/64 और 6/128, ठीक है, 6/64 वाला हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 33,000 रुपए का, 6/128 पड़ेगा 36,000 रुपए का, 36,000, ठीक है, ये भी फ्रेश LCD में है, अगर ऑन हो तो मैं आपको LCD दिखा दूँ, ये ऑन हो रहा है, मैं आपको LCD चेक करा। हमारे पास फिर सैमसंग में S21 Ultra अवेलेबल है, फिजिकल प्लस eSIM वाला, ठीक है, नॉन PTA बोलेंगे तो नॉन PTA मिल जाएगा, PTA बोलेंगे तो PTA मिल जाएगा, गार्बेज स्पॉट वाले एक ये स्पॉट दिख ले आप दोनों में, ठीक है, अलग अलग स्पॉट्स हैं, 12/128 GB है ये, ठीक है, नॉन बोलेंगे तो हमारे व्यूअर्स को 85,000 का पड़ेगा अनलॉक, जिसके अंदर दो से चार महीना पाकिस्तान में सिम चलती है, और अगर अप्रूव बोलेंगे तो वो पड़ेगा 105 का, 105,000 जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सैमसंग में S21 Plus है, S21 Plus जी, ये भी हमारे पास डुअल फिजिकल वाला है, ठीक है, इसकी भी आपको मैं LCD दिखा देता हूँ, फ्रेश LCD में है, स्क्रीन पे हल्के फुल्के स्क्रैचेज है, कंडीशन इसकी 10/10 है, ठीक है, S21 Plus लाइव डेमो यूनिट वाला डुअल फिजिकल, ओके, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1,08,000 का, 1,08,000 का जी। इसके बाद हमारे पास सैमसंग में S20 Plus में दो वेरियंट्स हैं, एक माइनर शेड है, एक फ्रेश है, ओके, ठीक है, माइनर शेड में आपको अगर ऑन हो तो मैं आपको दिखा दूं, ऑन नहीं है, माइनर बिल्कुल माइनर सा शेड है, और एक फ्रेश है, फ्रेश वाला व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, फ्रेश वाला जो है वो हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 75,000 रुपए का, शेड वाला पड़ेगा 70,000 रुपए का, ओके, ठीक है। इसके बाद अनलॉक में एक और हमारे पास पीस पड़ा हुआ है सैमसंग में S22 Ultra जी, स्क्रीन पे हल्के पुलके स्क्रैचेज हैं, एस पेन नहीं है, प्रोटेक्टर के जो लोग यूज करते हैं, एस पेन नहीं है, स्क्रीन पे हल्के पुलके स्क्रैचेज, बाकी डॉट स्पॉट नहीं है, नहीं, फ्रेश LCD में है, अनलॉक है, 2 से 4 महीना पाकिस्तान में सिम चलेगी, व्हाइट कलर है, कंडीशन अगर आप बॉडी और पीछे बैक ग्लास से बोले तो 10/10 से वागे से स्क्रैचेस है, ठीक है, ओरिजिनल एस पेन इसकी नहीं है, और एस पेन लोकल भी मैं लगा के नहीं दूंगा, ऐसे ही बेचूंगा, ठीक है, वो हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1,65,000 1,65,000 रुपए का जी। हमारे पास फिर Note 20 है 8/256 में, शेड वाला पैच अप्रूव, ये अभी ऑन नहीं है वरना मैं इसकी LCD दिखा दे, शेड वाला पैच अप्रूव हमारे व्यूअर्स को ये पड़ेगा 68,000 का, 8/256 68,000, ठीक है। अनलॉक में हमारे पास एक और पीस पड़ा हुआ है सैमसंग का A71 8/256 GB, शेड इसकी पूरी स्क्रीन में शेड ज्यादा शेड है, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 32,000 अप्रूव्ड है, अप्रूव नहीं है, अनलॉक है, 2 से 4 महीना सिम चलेगी, सही है, ठीक है। फिर अप्रूव में हमारे पास सैमसंग में S10 Plus है, S10 Plus, ठीक है, अब इसके अंदर डॉट्स वाला है, कुछ इस तरह होंगे, कुछ ब्लैक स्पॉट्स होंगे, अप्रूव है, छोटे छोटे डॉट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। S10 Plus हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 47,500 में, ठीक है, 47,500, दो ही कलर अवेलेबल है, क्वान्टिटी है इसकी, लेकिन सिर्फ कलर दो ही है, एक ऑरेंज और ब्लैक, ठीक है। इसके बाद गूगल पिक्सल में हमारे पास एक और पड़ा हुआ है, गूगल पिक्सल 5 है, 5G 6/128 GB होता है ये, इसकी बैटरी शायद 4,000 या 4,000 mAh है, लोग गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेके जाते हो, कैमरे के लिए, ठीक है, ये हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 47,000 का, ये भी 47,000 का गूगल पिक्सल 5 है 5G 47,000, और बिल्कुल फ्रेश हो मेरे भाई, ये बिल्कुल फ्रेश है, सिर्फ स्क्रैचेज होंगे हल्के फुल्के, अगर निकले तो हल्के फुल्के स्क्रैचेज होंगे, वरना मेरे ख्याल से शायद वो भी नहीं होंगे, पूरी मार्केट में ये 52, 53, 54 प्राइस आपको पड़ेंगे 47,000, ये मार्केट में तो 55,000 तक का भी बिकता है, कुछ लोग 53 में भी बेचते, लेकिन मैं 47,000 में दूंगा OEM अनलॉक, जिसमें 2 से 4 महीना सिम चलती है, ठीक है। इसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह सब बहुत आउट क्लास है, ओके। इसके बाद हमारे पास आईफोन में से एक और वेरिएंट पड़ा हुआ है, iPhone XR 256 GB JV, वाइट कलर है, इसकी बैटरी चेंज है, ठीक है, बैटरी चेंज है, हमारे व्यूअर्स को पड़ेगा 55,000 रुपए 55,000 का iPhone XR JV 256 GB, कंडीशन इसकी कंचा कंडीशन है, ठीक हो गया, ठीक है भाई। पेमेंट प्रोसेस आउट ऑफ सिटी वालों के लिए पेमेंट प्रोसेस ये है कि वो हमारे अकाउंट में पेमेंट एडवांस लगाएंगे, फिर हम इनको इंशाल्लाह 102 दिन में इनको TCS लगा देंगे, और इंशाल्लाह 3-4 दिन में इनको डिलीवर हो जाएगा। आपकी शॉप का एड्रेस? शॉप का एड्रेस मैं वापस गाइड कर दूं, हमारी शॉप स्टार सिटी मॉल में है, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 209, ओमेर टेलीकॉम, ओमेर टेलीकॉम, ठीक है।